पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। आखिर ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। कितने प्रकार के होते हैं परमानेंट टिश्यू? आर ऑफ द टू टाइप परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहला हमने दिया है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, हम जानेंगे कि आखिर सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? दी टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सेल। ये जो टिश्यू होते हैं सिर्फ एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बने होते हैं। देयरफॉर दी टिश्यू आर यूनिफॉर्म इन द कंपोजिशन, इसलिए ये टिश्यू जो होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, इनकी संरचना जो होती है एकदम से समान होती है, एक रूप होती है। अच्छा, देयरफॉर दीज टिश्यू आर यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, द कॉमन सिंपल टिश्यू आर पैरेन्काइमा, इनके जो कॉमन जो सिंपल टिश्यू है इनमें जो पाए जाते हैं तो वो क्या है आपका, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, ये थ्री टाइप के होते हैं। कौन से वाले टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी थ्री टाइप्स हो जाते हैं, तो वो क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी, पैरेन्काइमा की। दीज आर मोस्ट बेसिक, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होते हैं। बेसिक का मतलब होता है मूलभूत होते हैं, मूलभूत का मतलब जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी इन्हीं टिश्यूओं से मिलकर के बनी होती है। एंड फंडामेंटल टिश्यू, इसीलिए इनको फंडामेंटल टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट की बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर है और पूरा प्लांट की बॉडी को बनाने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फंडामेंटल टिश्यू। विच आर स्कैटर्ड थ्रू द प्लांट बॉडी, जो पूरी प्लांट की बॉडी में ये फैले रहते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ द आइसो डाइमेट्रिक लिविंग सेल, ये आइसोडाइमेट्रिक लिविंग सेल से मिलकर के बने होते हैं। आइसोडाइमेट्रिक क्या होता है? आइसोडाइमेट्रिक होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से गोल ना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेक्सागोनल, ये एक तरीके से क्या है, गोल भी है और नहीं भी है। तो इसी तरीके से ये जो होते हैं आपके पूरी तरह से गोल नहीं होते, परफेक्टली गोल नहीं होते, और इनको इसीलिए कहते हैं ये बने होते हैं आपके आइसोडाइमेट्रिक लिविंग सेल से, विच मे बी ओवल हो सकते हैं एंड राउंडेड, मतलब ओवल हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे, अंडाकार का, ओवल का मतलब होता है अंडाकार के हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं होते। सेल हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, सेल के अंदर क्या होता है कि थिन पतली सेलुलोज सेल वॉल होती है, मतलब इनके अंदर सेल वॉल बहुत पतली पाई जाती है। सेल हैव द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इनके सेलों के अंदर एक बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है सेलों के बीच में खाली जगह रह जाती है, जैसे मान लो हमने ये दो सेलें पास पास बना दी और इनकी बाल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं हो पाएंगे और इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह यहाँ पर बची रहेगी। ठीक है, अच्छा, सेल हैव द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस के बाद में आता है सेल हैव सम डिवीजन एक्टिविटी। दरअसल क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं तो ये लिविंग सेल होते हैं, लिविंग इनकी जो सेल्स होती है, इनके अंदर जो सेल पाई जाती है वो जीवित होती हैं और इसी के चलते ये जो होते हैं मतलब ये इनकी जो सेल होती हैं वो डिवीजन जैसी एक्टिविटी को दिखाती हैं, मतलब उनके अंदर विभाजन होता है। विभाजन होने से, डिवीजन होने से क्या है कि परमानेंट टिश्यू और भी मतलब अपने जैसे ही परमानेंट टिश्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में जानने के बाद में अभी पैरेन्काइमा के बारे में जानना, हमने कोलेनकाइमा के बारे में अभी जानना है, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अभी जानना है। अगर इन सारे टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। थैंक यू। हम पढ़ने वाले क्या है भाई, हम पढ़ने वाले फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा। आखिर फंक्शन क्या होते हैं पैरेन्काइमा के, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, किस तरीके से अपना काम करता है, तो ये हमें अब जानना है कि फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा क्या जानना है भैया। फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा तो क्या है, दिखते हैं। पैरेन्काइमा मेनली सर्व एज द फूड स्टोरेज टिश्यू, पैरेन्काइमा जो होते हैं मुख्य रूप से फूड स्टोरेज टिश्यू के तौर पर ये काम करते हैं। अरे सीधी सी बात है, थैले का काम करते हैं जी, कौन, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हैव द मेरिस्टमेटिक नेचर, इनका दरअसल क्या होता है, मेरिस्टमेटिक नेचर होता है। मेरिस्टमेटिक हमने टिश्यू आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो क्या है कि पैरेन्काइमा हैव द मेरिस्टमेटिक नेचर, कैसा नेचर होता है, मेरिस्टमेटिक नेचर होता है। अब ये मेरिस्टमेटिक नेचर क्या होता है, दरअसल क्या होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर ही कैपेसिटी होती है कि वो लगातार अपना अंदर जो है उनकी मेरिस्टमेटिक टिश्यू की जो सेल होती है वो डिवीजन करती रहती है, विभाजित होती रहती है, जिससे नई सेलों का निर्माण होता रहता है। तो ये जो आपका पैरेन्काइमा है इसका भी कुछ नेचर मेरिस्टमेटिक टिश्यू की तरह होता है। पैरेन्काइमा इज एसोसिएटेड विद द बाउंड हीलिंग,
दरअसल क्या होता है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं इन्हीं की वजह से बाउंड हीलिंग हो पाती है प्लांट के अंदर। जैसे मान लो कि किसी ने काट दिया, कहीं छोटी चोट मार दी तने में, खरौंच आ गई प्लांट को, तो उस प्लांट की जो खरौंच है, जो चोट आ गई, उसको पूरी तरह से ठीक करने का काम जो है इनका होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, रीजनरेशन में जैसे मान लो प्लांट की हमने कोई शाखा तोड़ दी, ब्रांच तोड़ दी, तो उसमें फिर एक नई शाखा निकल आती है, उसमें भी आपका इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, किसका, पैरेन्काइमा टिश्यू का। फॉर्मेशन ऑफ द रूट, और साथ में क्या है कि रूट के बनने में भी जड़ें जो बनती हैं, तो जड़ें एक तो मोटी वाली जड़ होती है, मेन जड़ होती, मेन रूट जो होती है इस तरीके से मोटी वाली, उसके रूट के अंदर से छोटी छोटी जो रूट निकल आती है, एडवांटेजियस रूट निकल आती है, उन रूट्स को बनाने का काम किसका होता है, पैरेन्काइमा का। ठीक है, तो अब यहाँ आता है, अब ये पैरेन्काइमा और किस तरीके से सर्व करते हैं, एज पैरेन्काइमा, एज मेसोफिल, मेसोफिल की तरह पैरेन्काइमा हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल की तरह देखा जाए, मेसोफिल्स पैरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। एज पैरेन्काइमा इट हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑफ द प्लांट, और एज एरेन्काइमा के रूप में, एरेन्काइमा के तौर पर इट हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑफ द प्लांट्स, और ये प्लांट को पानी के ऊपर तैरने में भी ये मदद करते हैं, किसके रूप में, एरेन्काइमा के रूप में। एज मेसोफिल के रूप में क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। दीज आर ऑल्सो द सर्व टू स्टोर द वेरियस प्रोडक्ट, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट को स्टोर भी करके रखते हैं, जैसे कि गम है, टेनिनिस है, क्रिस्टल्स है, रेजिन्स है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है, तथा इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, इन इस तरह के मतलब प्रोडक्ट्स को ही स्टोर करता है, जुड़े। ठीक है, एफिडेड का मतलब, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े होना, किसी से संबंधित होना, मेंटेन बनाए रखता है, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखता है, टर्निटी स्वेलिंग मतलब फ्यूजन ये बनाए रखता है, टेनिस टेनिनिन, ये आपका टेनिनिन होता है, टेनिनिन, टेनिन का मतलब होता है ब्राउनिश बिटर टेस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ब्राउनिश मतलब हरा हल्का सा ब्राउनिश होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है टेस्ट में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मतलब जैविक पदार्थ है, कैसा पदार्थ है ये, जैविक पदार्थ, और टैनिन, क्रिस्टल तो आप जानते ही क्या होते हैं, रेजिन्स का मतलब होता है किस्मिस, इनऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब होता है जैविक अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है गंदगी, डर्ट या डर्ट कह सकते हैं, गार्बेज भी कह सकते हैं, तो अपशिष्ट होता है जो मतलब जो जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, टॉयलेट और आपका पॉटी, उसी तरीके से ये इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, कौन, प्लांट के अंदर, ये आपका पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं। तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू के क्या थे, सारे के सारे फंक्शन थे जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो आपको इन्हें लिखना भी चाहिए और रिवाइज भी करना चाहिए और याद भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे।